अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन यूट्यूब चैनल के भैन भाइयों सब मेरी तरफों सलाम। उम्मीद करने कि तुम सब ठीक हो गए। असं ठीक हाँ। बस मैंने अज मैं बाजी होर वास्ते खाना बनाया, हूँ मैं बर्तन धोन दी हाँ, उस तो बाद शाम की हांडी बनानी है। असं मैं तो थानू कहा कि नाल हांडी मैं बना लैनी हाँ, तो तुम ना बर्तन वगैरह धो लो, लेकिन जिद कर दी थी। इदा तो सारा काम करना। चलो फिर छेती कर लो, तो मैं बच्चों को ना बकरियां छुड़वा के अंदर करवानी हाँ। मैं बकरियां नु पट्ठे पाए ने इस टाइम अंदर लिया के पट्ठे पाई देने, क्योंकि सारी रात इन्होंने ना गुजारनी होंगी। इदा ही बकरियां मैं लिया ने हिस्से पर, इन्होंने हो तो 2-3 महीने गए ने, पर प्यार हो गया। इस बकरी नु असीं नाम दिता सैरा। आज 2 बच्चे ने आ भी असीं हिस्से ते लेके आए आ दी बकरी। बाकी रावल बेटा रावल नु बकरियां नाल बहुत प्यार है। रावल इस वजह तो बकरियां दे नाल लगे है। हां जी बहुत प्यार है रावल नु बकरियां नाल। बकरियां दे पिछे कहंदा है कि मैं ना इत्थे ही रह जावां। सारे में विच पाते ने मिर्चा नमक हल्दी प्याज सब सुटता। हुण दाल दी वारी है, पानी गर्म हो गया, हुण दाल सुटनी है। हाँ जी, क्योंकि ना इन्हों के पिंड के कोलो ना कोई चीज़ मसलन के गोश्त वगैरह या सब्जी वगैरह नहीं ना मिलती, तो इस वजह तो मैं क्या कि तुसी ना इस तरह करो कि इस टाइम पे ना कितने नहीं जाया जाता, तो तुसी इस तरह करो कि दाल ही पका लो, क्योंकि दाल घरे ही है शाम। हाँ जी, तो दाल तुसी पका लो। इस वजह तो ना पिंड लागे कोई दुकान वगैरह कोई इदा दी ना सारे मसाले वगैरह विच पा दिते ने, प्याज दूसरा मिर्चा वगैरह सब कुछ ही पा दिता, नमक भी हर चीज़ ही मसलन के पा दिती है, क्योंकि ना गोटे वाली दाल बनाने लगे ने, ते इन्हां दे पिंड दे नज़दीकों कोई चीज़ भी नहीं मिलती। इस वजह तो ना ये कहंदे सी कि असीं गोश्त पका के देने, लेकिन मैं क्या 3 किलोमीटर दूर दुकान आ। हाँ जी, चाल ते ज्यादा पींदा ओ, लागे है ही नहीं, कोई सवारी होएगी तो कुछ ले आके खाओगे नहीं तो नहीं। हाँ जी, इस वजह तो मैं क्या तुसीं दाल ही पका लो साडे वास्ते ना, असीं कोई नहीं सिस्टर ते घर आए हां साडे वास्ते ना, अपना घर है तो जरूरी तो नहीं हुंदा ना कि कोई चीज़ ही बनाइए। तो वरले पैसे पहले भी ना इन्होंने साढ़े वास्ते चावल पकाए ने दोपहर नूं, तो हुण शाम का टाइम हो गया, लेकिन ना काम करदे करदे क्योंकि कल्ली है, फुल रात हो चुकी है। तो बकाया हमारे चैनल को तो आप जानते ही होंगे, हमारे चैनल का नाम बिलावल फैमिली ब्लॉग है, और काफ़ी मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं, खैर हमारा चैनल मोनिटाइज हो ही जाएगा इसका 600 हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो रात जो है वो काफ़ी हो चुकी है। तो जो मेरी खाला का मोबाइल है ना, ये मतलब उनका मोबाइल है ना, तो ये अभी उनका पास अच्छा मोबाइल भी नहीं है, इसका रिजल्ट वगैरह जो है ना वो ठीक से नहीं आ रहा। तो मैं हालांकि लाइट के पास ही खड़ा हूँ, ये हमारे पास ही लाइट लगी, फिर भी ना इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो बकाया जो अभी खाना वगैरह है ना वो मेरी खाला ने तैयार किया, और रोटियाँ जो है वो अभी तैयार होने वाली हैं, तो रात काफ़ी हो चुकी है। तो आज के ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।